नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीबीआई के पूरी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में, केस का गठन कैसे हुआ और सीबीआई वर्तमान में भारत में कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक स्टेचुरी बॉडी है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई में कैसे भर्ती हुआ जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो जानेंगे सभी इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बिल पारित करके ईडी और सीबीआई के चीफ का जो टेन्योर था उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। और अभी रिसेंटली में ईडी और सीबीआई का एक करंट का मुद्दा बना हुआ है और वो ज्यादा क्रूशियल बन जाता है आपके सिविल सर्विस एग्जाम एज वेल एज द यूजीसी नेट एग्जाम फॉर दिस करंट अफेयर्स, तो आप इस सेशन को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी पूरी हिस्ट्री की। जब सीबीआई अस्तित्व में नहीं था तो आखिर भारत में था क्या? आपको पता होगा कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय भारत में द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेस काम करता था, जिसको स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था भारतीय सरकार में। ये एक तरीके का एक पुलिस फोर्स था जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी और इसका जो मुख्य काम था वो था रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन करना। और ये जो डिपार्टमेंट था वारन सप्लाई डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था और इसके जो सबसे पहले सुपरिटेंडेंट थे वो थे कुर्बान अली खान। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कुर्बान अली खान पाकिस्तान चले गए और इसके जो लीगल एडवाइजर थे वॉर डिपार्टमेंट के वो बने राय साहिब करमचंद जैन। अब साहिब करमचंद जैन जो थे वो इसके लीगल एडवाइजर बने रहे जब तक कि ये डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड होके होम डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आ गया। तो ये सब हुआ 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। मतलब पहले ये वॉरेंट सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता था, उसके बाद 1946 में इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में इसको मर्ज कर दिया गया। तो जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ, आपको यह पता होगा कि 1947 और 48 में कश्मीर विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान में पहला प्रथम युद्ध हुआ था। तो जैसे ही वॉर खत्म हुई उसके बाद भारत सरकार को कंटिन्यू नीड हुई एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की जो ब्राइबरी और करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सके ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के संदर्भ में, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था भारत की सुरक्षा को देखते हुए। तो उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जो पॉपुलर नेम था वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से होम मिनिस्ट्री के एक रिजोल्यूशन द्वारा 1 अप्रैल 1963 में चेंज कर दिया गया और इस तरह से हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1963 को। अब सीबीआई का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ये इंडिया की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करती थी, जैसे क्राइम, किडनैपिंग एंड टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसके जो पहले चीफ थे वो थे डीपी कोहली और वो इस पद पर 1963 से 1968 तक बने रहे। लेकिन 1987 में सीबीआई को बहुत ही ज्यादा डिपार्टमेंट में डिवीजन कर दिया गया, मतलब उनको बांट दिया गया। अब जो ये डिपार्टमेंट में बटे थे उसमें आ गए एंटी करप्शन डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, द पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन एंड द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी डिवीजन। ये जो सारी डिवीजन थी उन सभी डिवीजनों को सीबीआई को इन सभी डिवीजनों में बांट दिया गया। अब बात करें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, 2013 में एक क्वेश्चन उठा था कि सीबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो लीगल है या इलीगल। तो इसके संदर्भ में, मतलब इसके रिगार्डिंग में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया 6 नवंबर 2013 को और इसमें सीबीआई को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और इससे लीगल स्टेटस का दर्जा छीन लिया और बता दिया कि इसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर ऐसा होता तो सीबीआई ने अब तक जितने भी केस सॉल्व किए थे उन सभी के रिगार्डिंग में जितने भी अब तक कल्प्रिट जेलों में बंद थे उन सबको आजादी मिल जाती और उनके केस भी खत्म हो जाते। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लेते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर स्टे लगा दिया। सम लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार को एज सून एज पॉसिबल सीबीआई के संदर्भ में एक लीगल लॉ बनाना चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे सीबीआई के वर्डिक्ट पर लगाया गया है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करार दिया जाए। मतलब उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल से बचाने के लिए केंद्र सरकार को सीबीआई के वैलिडेशन को
लेकर एक लॉ बनाना चाहिए। अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं तो सीबीआई ना तो एक स्टैचुरी बॉडी है और ना ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और करंट की बात करूं तो सीबीआई को जो पावर मिली हुई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू ही मिली हुई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीबीआई के पूरे चैप्टर के बारे में, पूरे हिस्ट्री के बारे में कि ये बेसिकली है क्या और कैसे ये वर्क करता है। अब मैं इसके कुछ हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसको होम मिनिस्ट्री रिजोल्यूशन के अंडर में 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना करी गई और इसका जो ऑफिस है वो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और 1965 में इसके जो कार्य क्षेत्र थे उनको बढ़ा दिया गया, जिससे ये मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज क्राइम को और मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केस को इजिली हैंडल कर सके और उनके कॉन्टेक्ट में रह सके। इस एजेंसी को ये अधिकार है कि ये इकोनॉमिक क्राइम, स्पेशल क्राइम और केस ऑफ करप्शन और अदर केस को भी हैंडल कर सके। और सीबीआई को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में नहीं आती, मतलब आरटीआई एक्ट के थ्रू तो इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, ना ही इससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है क्योंकि आरटीआई के अंडर में नहीं आता। और ये जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं उनसे तालमेल बिठाकर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है, जैसे इंटरपोल। इंटरपोल आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड की एक पुलिस है जो सारे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है और असिस्ट करती है ईच स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो करंट की बात करें तो इसके जो कर्मचारियों की संख्या है करंट में वो 7274 है और इसमें अभी तक एक्चुअल 5685 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं और अभी जो वेकेंट पड़े हैं वो 1600 के आसपास इसमें अभी पद खाली पड़े हुए हैं। और इसका जो एनुअल बजट है वो है $106 मिलियन के आसपास। और इसके करंट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब डायरेक्टर है, वो है सुबोध कुमार जायसवाल। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो अब बात करते हैं कि आप सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीआई को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसके बाद हर साल एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकलते हैं, आप उन फॉर्म को भर सकते हैं और एज अ सब इंस्पेक्टर आप सीबीआई में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एग्जाम होता है ये 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा रिटर्न है, फिर है आपका इंटरव्यू, देन है मेडिकल। तो आपको ये 4 स्टेप पूरे करने के बाद आप सीबीआई में इंप्लॉयड हो सकते हो। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल गया होगा कि सीबीआई है क्या और इसको करंट में क्या पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में दी गई है और ये कैसे वर्क करता है, कौन है इसके डायरेक्टर और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर। सो आई होप आपको पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।